नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अलक पांडे। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी स्टार्ट ऐसे होती है कि हम कोई चीज पढ़ते हैं, बड़ा मजा आता है, बड़ी आसान लगती है, और कोई टीचर पढ़ाता है तो क्वेश्चन बन जाते हैं। उस टाइम टॉपिक समझ में भी आ जाता है, उस टाइम प्रीवियस ईयर के कंपटीशन के या बोर्ड एग्जाम के सवाल भी हो जाते हैं। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद थर्ड चैप्टर, उसके बाद कोई और चैप्टर। धीमे 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 एक सीरीज बनने लगती है। होता क्या है कि जो पिछली कहानियां थी, जो पिछले चैप्टर थे, वो दिमाग से गायब होते जाते हैं। आप बहुत दिन तक किसी दोस्त से ना मिलो तो धीमे धीमे उसकी मेमोरीज चली जाती हैं, है ना। वो तो जीता जागता इंसान है, और ये तो फिर पढ़ाई है, कागज पे लिखी बातें हैं, नोट्स हैं, जो किसी ने आपको समझाई है, वो भी बेमन से, आप तो नहीं जानना चाहते थे। ये है घबराहट। अब एग्जाम आने वाला है, आप घबराए हुए हो कि मेरा टॉपिक तैयार है भी कि नहीं, है ना, मैं इसका क्वेश्चन कर पाऊंगा कि नहीं। जो एंजाइटी है, एंजाइटी क्यों बनी है आपको, ये एंजाइटी क्यों बन गई आपको? ये एंजाइटी इसलिए बन गई क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि आपको वो टॉपिक तैयार है कि नहीं, है ना। तो एंजाइटी हटाने का एक ही तरीका है, देयर इज ओनली वन वे टू फाइट योर फियर, एंड दैट इज टू फेस इट, ब्रेव बन के। रिवीजन इसलिए करो, खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी, टॉपिक तैयार होगा, खुशी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा। सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस। सेटिस्फैक्शन आ गया, हैप्पीनेस, खुशी होगी कि वो टाइम बर्बाद नहीं हुआ, वो टाइम खराब नहीं हुआ। वरना सोचो, जितने दिन उस 100 क्वेश्चन किए थे, वो बुक्स पढ़ी थी, वो सारा टाइम वेस्ट हो गया। जब भी ऐसा लगे तो खुद से सोचो कि मतलब मैंने वो चीज स्टार्ट ही क्यों की, अगर वो आगे यूज नहीं होगी, क्या वो सारा टाइम खराब करना था मुझको, है ना। तो ये बात थी।